नमस्ते आदाब सत श्री अकाल केम चरण मजा मनी कैसे है तुम्हें मजे ना हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन एंड एंजॉयिंग योर स्टडीज। तो मैं शालिनी उब्रीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं बहुत खुशी है मुझे कि बच्चे लोग अभी भी मन लगाकर पढ़ रहे हैं और पढ़ना भी चाहिए क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं तो आगे पढ़ेंगे कैसे है क्या नहीं। ओनली रिजल्ट थोड़ी हमारे काम में आने वाला है, अगर नॉलेज ही नहीं होगा हम लोग को तो फिर क्या फायदा है इसे पढ़ाई का और इसे रिजल्ट का है क्या नहीं। तो आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आप लोगों का सेवेंथ स्टैंडर्ड के जो बच्चे है उन लोगों का फिफ्थ पोएट्री है बसंत गीत, जिसे लिखा है चंद्र प्रकाश चंद्र जी ने। तो बसंत गीत किसके ऊपर लिखा हुआ है, तो ये जो बसंत गीत है ना बच्चों, ये एक बसंत ऋतु के ऊपर लिखा गया है। तो क्या लिखा है चंद्र प्रकाश जी ने, तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं फिर मैं आप लोगों को करती हूँ एक्सप्लेनेशन। तो उनका जन्म हुआ है 3 अक्टूबर 1957 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। भाई मैंने नोट किया है हमारे ज्यादातर लेखक कवि सब ज्यादातर मैंने उत्तर प्रदेश में के ही लोग देखे हैं। भाई वाकई ये लोग बहुत कलाकार लोग हैं। रचनाएं ख्याल ऊपर और ऊपर लघु कथा, ये भाई उनकी लघु कथा का नाम है यार ख्याल ऊपर और ऊपर। टेलीफिल्म गीत बाल गीत आदि उन्होंने लिखे हुए हैं। अभी परिचय यानी उनका इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पर। चंद्र प्रकाश चंद्र जी कवि थे, लेखक थे, निर्देशक थे, अभिनेता थे, बहु प्रतिभा के धनी थे यानी बहुत ही टैलेंटेड थे वो, और भी बहुत सारे टैलेंट थे उनमें। आपने विविध पत्र पत्रिकाओं में लेखन किया है, जो नॉवेल्स आते हैं पत्र पत्रिका आते हैं ना वो मासिक दैनंदिन पत्रिका, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे लेखन किए हैं, राइटिंग किया हुआ है। अभी इस कविता में प्रस्तुत गीत में कवि ने वसंत ऋतु में होने वाले परिवर्तन प्रभाव और प्राणियों में फैले उल्लास को दर्शाता है। अभी अगर इसे देखा जाए ना बच्चों, तो अभी हम लोग का ये जो ऋतु चल रहा है ये है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु नॉर्मली ना फेब्रुअरी मिड फेब्रुअरी से स्टार्ट होता है और अप्रैल तक उसका पीरियड होता है। तो आप लोगों ने नोटिस किया रहेगा कि फेब्रुअरी के बाद जो होते हैं वो कलियां खिल जाती है और जो आम को जो मोहर आते हैं ना उसको मराठी में बोलते हैं मोहर आना, तो वो सब जो रहता है ना तो वो उस पीरियड में स्टार्ट होता है। ओके तो इसके लिए तभी जो एटमॉस्फेयर होता है, तभी का जो क्लाइमेट होता है, हवाएं बहती रहती है, कभी ठंडी होती है कभी गर्मी होती है, तो इम्बैलेंस होता है क्लाइमेट। तो यही जो ऋतु होता है इसे कहते हैं बसंत ऋतु। और ठंडी हवाएं बहती रहती है, मन को मोह देती है, बहुत ही प्यारा होता है क्लाइमेट। तो इसी का वर्णन हमारे जो कवि है चंद्र प्रकाश चंद्र जी ने इसमें किया हुआ है। तो अभी जरा गौर फरमाइएगा भाई क्या उन्होंने लिखा है। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, सज धज के ये बसंत ऋतु जो है वो कैसे आया है, सज धज के आया है। अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो, तो इतना ये सज धज के जो बसंत ऋतु आया है तो हम उसका स्वागत कैसे करेंगे, गाने गाकर करेंगे। गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो, कली कली करत कलोल कुसुम मन मंद मंद मुस्कायो। अभी ये जो कलिया है, कली खिलने के बाद वो एक फूल बन जाएगी। कुसुम यानी क्या, फूल समान अर्थी शब्द में आएगा, ठीक है। फूल का समान अर्थी शब्द कुसुम, कुसुम का समान अर्थी शब्द फूल, ठीक है। तो कली कली फिर खिलकर फूल बन जाएंगी, मन
मंद मंद मुस्कायो, और ये जो मन है कैसे मुस्का रहा है, मंद मंद स्मित हास्य कहते हैं ना उसे, वैसे वो मुस्का रहा है। कली कली करत कलोल कुसुम मन, मंद मंद मुस्कायो, गुन 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 गुंजे मधुप गन मधुमकरंद चुरायो। अब ये भाई गुन 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 कौन करता है, गुनगुना रहे है क्या? नहीं, यहाँ पर हम लोगों को मधुमक्खी कहना है भाई, अगर किसी ने भौरा कहा रहेगा तो नाओ। गुन 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 गुंजे मधुप गन मधुमकरंद चुरायो। अब ये जो फूलों का जो रस होता है ना, फूलों में जो मधु रस होता है, हनी बोलते हैं ना उसको, वो हनी लेने के लिए फूलों में से कौन आता है वहाँ पर गुनगुन करते हुए? मधुमक्खियाँ आती है, और वो क्या चुराती है फूलों में से? मकरंद यानी मधु का रस चुराती है। सजी आयो रे बसंत ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। सेम है, रिपीट है। बन बन बाग बाग बगियन में सुहनी सुगंध उड़ायो। अभी बाग बाग में बगियन में बागों में क्या फैली हुई है? सुगंध फैली हुई है। किसकी सुगंध फैली हुई है? ये जो फूल खिल रहे हैं उन फूलों की सुगंध बागों में चारों ओर फैल रही है। ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत गीत कोयलिया गायो। मयूरा यानी मोर कैसे नाच रहा है, ठुमक ठुमक कर नाच रहा है, और जो कोयलिया है वो क्या गा रही है? वो गीत गा रही है। कैसे गाती है कोयलिया गीत? कू कू है ना, मुझे तो बहुत पसंद है वो जब, लेकिन मेरे इधर नहीं आवाज आता मुझे कोयल का। ठीक है, एनीवेज जब उसको मन में आएगा तो वो आएगी मेरे पास और गाएगी सुनाएगी मुझे। ओके, सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। पीली पीली सरसों फूली अरु बौर अमवा पे छायो। अभी पीली पीली सरसों, आप लोगों ने सरसों के खेत देखे हैं क्या कभी? पिक्चर में भी देखे रहेंगे ना अपने, शाहरुख खान और जो काजल का जो पिक्चर था, देखो वो कौन सा पिक्चर था, वो दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे में उन लोगों का एक गाना, उसी सरसों के पूरे खेत में ही वो पीले पीले फूलों में ही ये गाना फिल्माया गया था उन लोगों का। तो वो होता है सरसों का खेत, ठीक है। सरसों का साग अगर किसी ने खाया रहेगा तो लाजवाब होता है सरसों का साग। तो वो जो फूल होते हैं ना सरसों के, पीले पीले फूल और हरे सरसों के पेड़ और उसके ऊपर पीले पीले फूल बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। और बौर अमवा पे छायो, और आम के पेड़ जो होते हैं ना उसमें वो जो आम आने के पहले जो मोहर आता है ना उसे कहते हैं बौर। तो फिर उसके ऊपर फिर वो फूल आते हैं, फिर वो फूलों में फिर आम बनते हैं, फिर वो कैरी बनता है, कैरी का फिर आम बनता है। तो इसी मौसम में ये आता है, फिर मई तक आम तैयार हो जाते हैं और हम लोगों को खाने के लिए मिल जाते हैं। तो इसका प्रोसीजर सब चालू होता है एक्चुअली फरवरी के बाद ही, ठीक है। हरी हरी मटर बिछौने ऊपर अमित रंग बरसायो। हरी हरी जो मटर होती है ना वो कैसी फैली हुई है, ऐसे लगता है कि हरे बिछोने किसी ने फैला दिए हैं, इतने हरे मटर वहाँ पर बिछे हुए है, ऐसे लग रहा है हरा बिछोना से पूरा रंग भर गया है। सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजी आयो। तो इस तरह हमारा ये जो बसंत ऋतु है सज धज कर आया है, फूलों की खुशबू लेकर आया है, मन भावन क्लाइमेट जो है समा लेकर आया है,
आमों में मोहर लेकर आया है, भौरों के लिए फूलों में जो मकरंद है वो लेकर आया है। इस तरह से आप लोग हैं ना, अगर आपको वर्णन करने के लिए आएगा तो इस तरह से वर्णन आप लोग कर सकते हैं। एंड आई होप आप लोगों को अच्छे से भी समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों को जब ये लोग आपका ओपिनियन पूछते हैं ना क्लाइमेट के बारे में, तो इन ये जो वर्ड्स है ना, इसका हेल्प लेकर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, मेरा प्यारा ऋतु, बसंत ऋतु लिखो। बसंत ऋतु में क्या क्या होता है, कविता बाय हार्ट कर रहे हो, लिखते जाओ। हो गया ना आप लोग का 3 या 5 मार्क तो ऐसे ही मिल गए आप लोगों को, है क्या नहीं? तो इस तरह से कविता को कभी बाय हार्ट करके रख देने का बहुत काम में आते हैं जब हम लोग ऐसे लिखते हैं ना तभी। तो मैं तो ऐसे ही करती थी भाई, अभी तुम लोग देखो कैसा करते हो। फिर इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी आते हैं तो भी काम में आता है, जब ओरल एग्जाम में टीचर पूछती है अगर बाहर होगा तो भी काम में आएगा, है क्या नहीं? और जब पोएट्री लिखने के लिए कंप्लीट करने के लिए बोलते हैं तभी भी काम में आएगा। तो बहुत सारा मल्टीपल यूज़ है उसका। ओके, तो इस तरह से आई थिंक अपना ये कविता जो है कंप्लीट हो गया है। ओके, तो क्या कहते हैं तुम लोग कि एक बार पूरी कविता बोल के बताओ क्या मैं तुम लोगों को, ताकि आप लोग रीड करके अच्छे से पढ़ सको। ओके, चलो देन। सजी आयो रे ऋतु बसंत, सजी आयो अजी गाओ रे ऋतु बसंत, सजी आयो कली कली करत कलोल कुसुम मन, मंद मंद मुस्कायो गुन 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 गुंजे मधुप गन मधु मकरंद चुरायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत, सजी आयो अजी गाओ रे ऋतु बसंत, सजी आयो बन बन बाग बाग बगियन में सुहनी सुगंध उड़ायो। ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत गीत कोयलिया गायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत, सजी आयो अजे गाओ रे ऋतु बसंत, सजी आयो। पीली पीली सरसों फूली अरु बौर अमवा पे छायो। हरी हरी मटर बिछौने ऊपर अमित रंग बरसायो। सजी आयो रे ऋतु बसंत, सजी आयो अजे गाओ रे ऋतु बसंत, सजी आयो। तो ये इस रिदम में अगर आप लोग करेंगे ना तो आपका जल्दी से बाहर हो जाएगा। अभी मेरा थोड़ा आवाज़ बैठा हुआ है तो प्लीज़ उसे बॉदर मत करना। और कैसे मैंने पढ़ा है ना उस तरह से पढ़ेंगे तो आई होप आप लोग को जल्दी से याद हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों ने अच्छे से गा गा कर भी सुनाया है, अगर आपको अच्छा लगता है तो उस हिसाब से कीजिए आप लोग। ओके, तो चलो भाई आप लोगों को ऑल द बेस्ट। आप लोगों के एग्ज़ाम्स अगर चल रहे हैं तो, और कोई प्रॉब्लम है कोई समस्या है तो मुझे बिंदास कमेंट कीजिए, तो मैं हूँ ना आप लोग की सेवा में भाई। सो डोंट वरी बी हैप्पी, ये चैनल मैंने खोला है आप लोगों के लिए है और एब्सोल्युटली फ्री है। तो आप लोग बिंदास फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, क्योंकि आप लोगों को इसमें एक पैसे का भी खर्चा नहीं है। ठीक है, तो फ्री में है मेरा चैनल, जल्द से जल्द फॉरवर्ड कीजिएगा 1st स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। प्लीज़ इतना करेंगे ना आप लोग मेरे लिए। और लाइक तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा अभी तक, नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। सब्सक्राइब किया नहीं है, बेल का आइकन टैप नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, तो ही आपको मिलेगा मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन। सो डोंट मिस टू सब्सक्राइब एंड टैप ऑन बेल। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।